मनोज तिवारी चमक चमक छम परेश रावल काला पत्थर ओ माय गॉड में और सुनिए स्मृति रानी जी भी भगवा बिगनी में दिख गई। मंदिर में घंटा बजाए तुम जाओगे क्या? जब इंसान नहीं बचेंगे तो इतने डर रहे हो तुम लोग कि तुम्हारे तो हालत वो हो गई है कि कुत्ते के पूछ में कोई पैर रख दे भी बिला जाता है, वैसे तुम भी बिला जाते हो। महाराष्ट्र पुलिस ढूंढ रही है बजरंग दल वालों को, ये ध्यान करिएगा। कौन एक्टिव है कौन डीएक्टिव है हम नहीं जानते। सेंसर बोर्ड एक्टिव हो जाए, देश के प्रधान एक्टिव हो जाए और जिस दिन सिनेमा घरों में पिक्चर लगे उस पे कोई तोड़फोड़ ना हो, कोई हिंसा ना हो, हम इसकी मांग करते हैं। आप पठान देखने जाएंगे क्या? पठान मूवी देखने कब से पठान देखने जाने लगे? अब तो क्या देखने जाएंगे? मूवी भी देखने जाते हैं क्या? संत लोग ना हम बायकॉट करते हैं ना हम समर्थन करते हैं, हम इन सब पिक्चरों में ध्यान ही नहीं देते। पर इसको हिंदू मुसलमान बनाने वाले जो लोग हैं ना वो पहले अपने घरों को साफ कर ले जो मुस्लिम नमाज बना के बैठे। अच्छा, इस तरह से भगवा कलर को लेकर जो बायकॉट चल रहा है वो सही है गलत है? प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट जारी कर दे कि जितने भी धर्म से रिलेटेड कपड़े हैं, हरा है, भगवा है, सफ़ेद है, उन सबको पिक्चरों में यूज ही ना किया जाए, बात ही खत्म। पिक्चर कैसे बनेगा है? फिर पिक्चर कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री से पूछिए, सात रंग तो है ही प्रकृति का। देखिए या ये फिर सेंसर बोर्ड से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए या उन गायंगों से पूछिए, भाजपा के नेताओं से पूछिए जो इस तरह के आप शब्द बयान दे रहे हैं और देश में शांति भंग कर रहे हैं। अरे भगवा का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगवा का अपमान तो बहुत लोग करते आए हैं, वहाँ सांसद विधायक बन के बैठे हैं, अपमान ये करने वाले सांसद बन जाते हैं। कौन है? मनोज तिवारी चमक चमक छम परेश रावल काला पत्थर ओ माय गॉड में और सुनिए स्मृति ईरानी जी भी भगवा बिगनी में दिख गई। उस समय हिंदू सोया हुआ था। अच्छा, आप जाग गया? अब जाग गए हिंदू। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू सरकारें में सब हिंदू खतरे में हैं, बेशर्मों के। और जब सरदार प्रधानमंत्री थे, मुसलमान देश के राष्ट्रपति, तब भी हम खतरे में नहीं थे। इतना बड़ा मजाक देश से बना क्यों रहे? देश की बहन बेटी खतरे में नहीं है। भगवा का अपमान सह रहे हैं हम? मैं किसी का, मैं कह तो रहा हूँ भाई, मेरा तो बहुत अपमान हुआ, हमारा तो बहुत अपमान किया गया। हमारे हिंदू धर्म के लोग बेटी बहन बेटियाँ सेफ नहीं है, उनके लिए सड़कों पर आना पड़ा, महंगाई बाजार से हम त्रस्त है, 200 रुपए सिलेंडर लेने में मजबूर है। मुद्दा वो नहीं है पंडित जी, मुद्दा भी भगवा है। लेकिन अपमान भगवा का हुआ है। उन मुद्दों को दबाने के लिए तुम ये मुद्दा लेके आए हो, हम इस मुद्दे को सेट नहीं करेंगे, पत्रकार को धमकाएंगे आप। हम इस मुद्दे को तुम लोग सवाल करते हो, आप तुम लोग सवाल करते हो, इतनी देर से देख रहे हैं, 1.5-2 साल 3 साल से, मतलब हफ्ता दो हफ्ते से भाई पठान यही पठान चल रहा है। और कोई है? ये मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा तो देश का वो होना चाहिए कि आप चाइना भी खत्म हो गया, उस बच्ची का जिसको 12 किलोमीटर घसीटा गया उस मुद्दा भी खत्म हो गया, दामनी का भी खत्म हो गया, गंदा भंडारी भी खत्म हो गया। भाजपा की महिला नेत्री क्या कभी दलित या ब्राह्मण या हिंदुओं की बहन बेटियों के रेप पे जब भाजपा के नेता शामिल हो कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? आप असली सनातनी नहीं है, आप असली सनातनी नहीं है, मुस्लिम के साथ घूमते हैं आप। अच्छा, मौलाना के साथ घूमते हैं। एक मिनट रुक जाओ, नरसिंहानंद असली है जो वसीम रिजवी को मुसलमान से हिंदू बना लिया था? हिंदू बनाया ना उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ? हिंदू है, हिंदू नहीं है। अभी वो भाग गया मिलने, जमानत जब उसको मिलने गए ना तो पहले निकल गया था वो। ऐसे कहूंगा खतरा नहीं हुआ है? किसी मुसलमान पहन के ऐसी ऐसी बातें करते हैं? अरे तुम भाई बताइए, मुसलमान को हिंदू बना दे रहे हो और उसके बाद उसी के नाम पर राजनीति कर रहे हो। मुख्तार अब्बास नकवी तुमको दिख नहीं रहा है, समाज तुमको दिख नहीं रहा है, मुस्लिम दबाव बनाते हो और सोशल हिंदुओं करते हो। सचाना में 425 मकान तोड़ दिए गुजरात में, और भी दिल्ली में भी आप लोग यही चीज करने जा रहे हो। आम आदमी को जीने दो, बुलडोजर की धमकी मत दो। इनको भी आप हिंदू बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये हम लोग इंसान है पहले, तुम भी बताओ पैदा हुए तो कई साल में बाद पहले मालूम चला, कितने साल बाद कि तुम हिंदू है मुसलमान बताओ? पैदा हुए हिंदू हम आपसे पूछ रहे हैं ना, कई साल में मालूम चला? 2-3 साल पहले इंसान बनो, बाद में हिंदू मुसलमान बनो। पत्रकार महोदय, आपने कहा ना कि क्या कहते हैं पठान मूवी का लॉन्च हो चुका है, ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर में से आपने ये देखा कि कोई भी सीन कटा हो? कोई भी सीन नहीं कटा। सेंसर बोर्ड किसका है? सेंसर बोर्ड ने 22 कट मारे हैं। अरे आप देखिए उठा के, सेंसर बोर्ड का कहना, सेंसर बोर्ड का काटना, किस किस को काटा गया है ये देखिए ना। इस देश तो में इसलिए समर्थन कर समर्थन कर रहे हैं। मैं एक चीज जानता हूँ, ना हमें मूवी से कोई मतलब है, ना ही प्रोपेगेंडे से कोई मतलब है। देश के जितने भी सनातनी हिंदू हैं वो हिंदुओं की पीड़ा उठाएं, उनको रोजगार दिलवाएं, उनकी महंगाई कम करवाएं, उन भ्रष्टाचार कम करवाएं। महंगाई रोजगार मुद्दा नहीं है, भगवान मुद्दा है। वो दलाल चाटुकार मीडिया के लिए मुद्दा नहीं होगा, वो दलाली खा रहे हो, पैसा खा रहे हो। नहीं, गलत बात। अगर आप बोलने नहीं दोगे तो फिर आप सब नहीं,
तुमको महंगाई नहीं देगी, 1200 लीटर तुमको सस्ता पड़ रहा है। अरे पहले धर्म बचेगा तब महंगाई देख लेंगे, पहले इंसान बचेगा फिर मंदिर में घंटा बजाएंगे तुम जाओगे क्या? जब इंसान नहीं बचेंगे तो आप बीच में सुनना बोलना ही लबर लबर करके सुनना भी, लबर सबर हमें नहीं आता। बोलिए लबर सबर करना तुम्ही लोगों को आता होगा, कोई मीडिया को हमें लबर सबर करना नहीं आता। बोलो बोलो, साफ सीधी बात है, देश में उन हिंदुओं के बाद उठाओ ना जिनको पीटा गया, उन छात्रों के बाद उठाओ जिनको मारा गया, उन टीचर भर्ती वाले उठाओ जिनको मारा गया, वो हिंदू नहीं थे। अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हिंदू भाई अपने नौकरी के लिए, वो हिंदू नहीं थे। दामिनी का परिवार हिंदू नहीं था, अग्निवीर अग्निवीर का परिवार हिंदू नहीं था। सबसे बड़ी बात तो इस देश में क्या कहते हैं, भगवा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के इन मुद्दों को लाकर जो इस समाज के और इस देश के मुद्दे हैं, उससे औपचारिक मुद्दे हैं, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार सुरक्षा शिक्षा, इन सारे मुद्दों को दूर कर दिया गया। और हम उन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे, तुम अपना पैसा लेते रहो दलाली करते रहो, हम दलाली वाली बीटी बात तो नहीं करने वाले। कौन करता है दलाली? अरे पठान याद है, और उस बच्ची के बारे में एक शब्द निकल रहा है जिसको दिल्ली में घसीट दिया गया, नेता का नाम भी नहीं ले पा रहे हो, इतने डर गए हो कपड़े उतरने से, मध्य प्रदेश में इतने डरे हो तुम लोग कि तुम्हारे तो हालत वो हो गई है कि कुत्ते के पूछ में कोई पैर रख दे भी बिला जाता है, वैसे तुम भी बिला जाते हो। दो हफ्ते की सुनते ही, दो हफ्ते के वाइकॉट ने, दो हफ्ते की अंधभक्ति ने देश के जो मुद्दे थे, दामिनी वाला बच्ची के साथ बुलंदशहर में बलात्कार हुआ, उसको हत्या कर दी गई, वो दूर कर दिया गया। उसके बाद में दिल्ली के अंदर हमने देखा कि 13 किलोमीटर तक क्या कहते हैं उस बच्ची को घसीटा गया, उस मुद्दे को गुम कर दिया गया। तो सोचने वाली बात है कि हिंदू मुस्लिम और भगवा कलर रंग संघ की राजनीति रंग पे ही ढली है। अब भाजपा की राजनीति लगी ना थिएटरों में, थिएटर भूख देंगे साधु संत करें। देखिए एक चीज बता दे, पुलिस है, डंडे भी तैयार हैं, अगर कोई भी असंवैधानिक घटना करने कोई भी सोचता भी है तो मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन अपना कार्रवाई। देश के सभी साधु संत विरोध कर रहे हैं, और आप कैसे? मैं कह रहा हूँ विरोध, विरोध सेंसर बोर्ड करे ना, विरोध सेंसर बोर्ड करे, प्रधानमंत्री जी का करे जो इसके राज्य पिक्चर बनती है। कांग्रेस टाइम में कश्मीर पिक्चर बनी, एक से ऐतिहासिक पिक्चर बनी, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम को ऐसी पिक्चर बनी, अब आज के टाइम पे ऐसी पिक्चर बन रही है जो आग लगवा दे रही देश में। तो प्रधानमंत्री जवाब दे ना, गृह मंत्री जो सरकार जिसके मुझसे, इसमें प्रधानमंत्री का क्या लेना भाई? हमारे सेंसर बोर्ड किसके अंडर में है? क्या अंडर में बताओ? बीस कट लगा दिए, बात खत्म करो। अब आग लगाओगे पूरे देश में, अब आग लगाने की बात कर रहे हो आप? आग लगाओ, मैं क्या कर रहा हूँ? बजरंग दल वाले का समर्थन नहीं दे रहे हैं आप? मैं कुत्तों का समर्थन नहीं देता, बजरंग दल वाले कुत्ते हैं, कुत्तों का समर्थन नहीं देता, कुत्ते हैं बजरंग दल वाले, हम आग लगाने वालों को समर्थन नहीं देंगे। महाराष्ट्र पुलिस ढूंढ रही है बजरंग दल वालों को, ये ध्यान करिएगा। हम कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति का हाथ में, एक मिनट रुक जाओ, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे जिसकी राजनीति हिंसा में हो। मैं कह रहा हूँ आपके सर्टिफिकेट से वसीम रिजवी बन सकता है हिंदू, हमारे सर्टिफिकेट से हमने उसको पहले दलाल बोल चुका है। अब दलालों की बात हम नहीं करते, हमें पिक्चरों से मतलब नहीं है, हमें अपने देश के मुद्दे से मतलब है, हमें अपने देश से मतलब है, हमें अपने जवान किसान से मतलब है, हमें कोई इच्छा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको, हमें संवैधानिक राष्ट्र चाहिए जहाँ पे एकता सद्भाव हो, हमें कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला राष्ट्र नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।